How are you? I am fine, sir. Okay, I am also fine. And you are most welcome in today's class. आज आप हम आपको पढ़ाएंगे earning together lesson number first, है ना? तो इसके learning together ऐसा कि इन सब परिचित हैं. सबसे पहले किसी chapter को learn करने से पहले उसके word meaning अच्छी तरह से हमें learn होना चाहिए, right? तो आज हम आपको दिखाएंगे इंग्लिश में लर्निंग टुगेदर. लर्निंग मीन्स बच्चों क्या होता है? याद करना. टुगेदर मीन्स साथ साथ, एक दूसरे के साथ मिलके. लर्निंग टुगेदर साथ साथ याद करना. वर्ड मीन्स क्या होता है? प्रो प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण. मीनिंग मीन्स इसका अर्थ. अब लर्निंग टुगेदर का पहला जो वर्ड है वो है ग्रेड. ग्रेड मीन्स श्रेणी. श्रेणी क्या होता है? श्रेणी जैसे आपकी कैटेगरी है लड़की, आपकी कैटेगरी है लड़का, और मेरी कैटेगरी क्या है? मैं एक टीचर हूं. तो एक श्रेणी होगी, ग्रेड होगी. ये क्या हो गया? श्रेणी हो गई. बी 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 मी खुशी. जैसे मुझे पढ़ाने से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर टीचिंग यू, राइट? तो खुशी होता है. बी मीन्स क्या होता है? खुशी. और दूसरा वर्ड मीनिंग इसका क्या हो सकता है? हैप्पी. क्या हो सकता है? तीसरा क्या है? यार्ड. यार्ड मीन्स मैदान. Y-A-R-D. Yard means मैदान. तो सब जानते हो. Yes. F-A-C-T-S. Facts means तथ्य. तथ्य means क्या होता है? What is means of तथ्य? Fact means क्या होता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हैं? आपको खुशी से पढ़ा रहा हूँ. इसमें क्या एक तथ्य है? मैं आपको खुशी से पढ़ा रहा हूँ. खुशी एक तथ्य है. मैं कुरौली में रहता हूँ, है ना? तो ये फैक्ट है. मैं एक इंटेलिजेंट टीचर हूँ. ये क्या है? फैक्ट है हमारा. तो तीसरा क्या है? ओशियन. ओशियन मीन्स महासागर. एक सागर होता है, एक महासागर होता है, राइट? समुद्र होता है, समुद्र को कहते हैं सी. और ओशियन मीन्स महासागर. यस. लास्ट वन प्रोग्रेस. प्रोग्रेस मीन्स प्रगति. प्रगति का मतलब क्या होता है? आपने आपको पढ़ाया, आपने लर्न किया, आपने कितनी ज्यादा उसमें प्रोग्रेस की, कितनी ज्यादा उसमें वृद्धि की. जैसे मैं कल था तो थोड़ा सा कम नाम के बारे में जानता था, आज हूँ तो कुछ ज्यादा जानता हूँ. इससे पहले तो माई थी, आपको नाउन की डेफिनेशन नहीं आती थी. आज आपको आती है डेफिनेशन नाउन की? कोई बता सकता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग. एक स्थान से दूसरे स्थान पर वृद्धि करना, उसे कहते हैं वृद्धि, है ना? पहले आपको वर्ड मीनिंग आते थे, आज आपको पूरा चैप्टर पढ़ना आता है, इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेस. अब हम आपको बताएंगे कैसे आप लर्न कर सकते हो उसको. ये एक लीफ है. क्या है? लीफ. किसका पत्ता है ये? एक प्लांट का पता है. इसमें आप ये लिख सकते हो, जैसे ऊपर क्या लिखा है बच्चों, देखो वाई ए आर डी. यस सर. वाई ए आर डी. यार्ड मीन्स पीछे देखो क्या लिखा है? यार्ड मीन्स मैदान. यस. और नीचे क्या लिखा है? एफ ए सी टी एस. फैक्ट्स. फैक्ट्स मीन्स तथ्य. अब आपको यार्ड मीन्स मैदान, फैक्ट मीन्स तथ्य. ये पत्ती किस कलर की है? हरी. ये इसका क्या फैक्ट है? हरा रंग, है ना? और ये यार्ड. यार्ड मीन्स मैदान. तो ये जो लीफ है यहाँ पर हम लोग स्ट्रिप करके पढ़ सकते हैं, राइट? ऐसे स्ट्रिप कर लो यार्ड फैक्ट. और इस तरीके से कोई आप पर्ची भी बना सकते हो, जैसे ये पर्ची है, राइट? इसमें आप लिख सकते हो बीम. बी ई ए एम, राइट? इसके ऐसे पर्ची बना के, ऐसे पर्ची बना के अपनी पॉकेट में रखो, ओके? और आप तब तक मत निकालना इसको जब तक कि आप इसको लर्न ना कर लो. कभी आप जैसे भूलो तो फटाक से पॉकेट में निकाला, खोल के देख लिया ऐसे करके और फिर रख लिया, ओके? तो आज मैं आपको देता हूँ ये पर्ची, ये आप पकड़िए. यस, आपको लर्न करना है. ये लीफ आप पकड़िए, ये आपको लर्न करना है, ओके? ये हमारे पॉइंट्स हो गए कैसे हम याद करेंगे लर्निंग टुगेदर को. तो आज की क्लास में हम वर्ड मीनिंग सीखे हैं. आज की क्लास में हमने ये सीखा है हम कैसे लर्न करें विद प्रैक्टिकल, ओके? जैसे बी मीन्स खुशी होता है, तो खुश रहो. जब आप खुश हो तो याद करना सन्ने क्या होता था. खुशी मीन्स बी, ये हैप्पी. क्लोज होने वाला. ओके, थैंक यू वेरी मच.